185 बाहर के लोगों ने जम्मू कश्मीर में जो है वो जगहें खरीदी हैं। यानी 2019 की अगर बात करते हैं, उससे पहले जम्मू कश्मीर जो है वो स्टेट हुआ करता था। जब यूटी बनी तब एडमिनिस्ट्रेशन ने और सेंटर सरकार ने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में जो है वो डेवलपमेंट का सैलाब आएगा और जम्मू कश्मीर में जो है वो इन्वेस्टमेंट होगी। हालांकि अगर जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछा जाए तो उन्हें अभी तक ये भी नहीं पता होगा कि 185 लोग जो है वो बाहर से आए हैं, यानी आउटसाइडर हैं जो जम्मू कश्मीर के नहीं है और उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो है वो जगहें खरीदी हैं। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि ये डाटा जो है वो राज्यसभा में पेश किया गया है, जिसके अनुसार जो है 185 लोग ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर यूटी से ताल्लुक नहीं है जिनका, और उन्होंने जम्मू कश्मीर यूटी में जो है वो जगहें खरीदी, यानी वो आउटसाइडर है, वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं है। 2019 की बात करते हैं, 5 अगस्त 2019 की बात करते हैं, यही बात तय हुई थी कि 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में कोई भी बाहर का आकर जो है वो जमीन नहीं खरीद सकता था। लेकिन 185 लोग जो है वो आए हैं और उन्होंने बाहर से आकर यहाँ पर जमीन जो है वो खरीदी है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी, क्या जिन लोगों ने जमीन खरीदी है उन्होंने जम्मू में खरीदी है या वादी कश्मीर में जमीन खरीदी है? क्योंकि जिस तरह से कश्मीर की बात करते हैं तो वहां पर ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, वहां पर टूरिस्ट स्पॉट ज्यादा है। क्या इन 185 लोगों ने इसके लिए जमीन खरीदी है? क्या वो अपने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के लिए खरीदी है? लेकिन आपको ये बता दें कि इससे पहले 5 अगस्त 2019 के बाद अगर साल 2020 की बात करते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा था जिसने जमीन खरीदी थी, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो जम्मू में था। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि साल 2021 की बात करते हैं, 57 ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी, और 2022 की बात करते हैं तो 127 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2022 में जम्मू कश्मीर में जो है वो जमीनें खरीदी। सेंटर का सीधा फोकस था कि यहाँ पर जो है वो जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप किए जाएं ताकि जम्मू कश्मीर के जितने भी नौजवान हैं, जितने भी यंगस्टर हैं, उन्हें जो है जॉब प्रोवाइड की जाए। लेकिन हालांकि आपको बता दें यहाँ पर कि जो पहले हुआ करता था, जिस तरह से पहले जो बच्चों के पास जॉब्स हुआ करती थी या अपॉर्चुनिटी हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं कम हो चुकी है, क्योंकि जॉब्स में जो है वो बड़े बड़े स्कैम निकल कर बाहर आए हैं। अगर सब इंस्पेक्टर या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या फायर एंड इमरजेंसी जैसे एग्जाम्स की बात करें, वो भी पूरी तरह से नहीं हो पाए, तो इसका एक रीजन रहा कि बच्चे ओवर एज भी हो चुके हैं और वो आज तक भी अपने हक की मांग कर रहे हैं कि हमें जो है वो जॉब दी जाए। लेकिन ये जो 185% है, यानी 185 का आंकड़ा है साल 2020, 21 और 2022, यानी 3 सालों में 185 का आंकड़ा, जहां पर सरकार ने कहा था कि एक सैलाब आएगा, जैसे ही आप गेट खोलेंगे तो जॉब्स अपॉर्चुनिटी का सैलाब आएगा। तो क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो सैलाब जो है वो केंद्र सरकार लेकर आई है? लेकिन आगे अगर बात करें तो पहले जम्मू कश्मीर के राज्यसभा में ये सवाल उठाया गया था कि आज तक आप बताइए कि जम्मू कश्मीर में बाहर से आए कितने लोगों ने जो है वो जगहें खरीदी हैं। तो यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, होम अफेयर्स है, नित्यानंद राय, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि ऐसा नहीं है। ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं या जो यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं उन्हें पूरी नॉलेज नहीं है। आपको बता दें कि 185 लोग जो है वो साल 2019 के बाद 20, 21 और 22, यानी 3 सालों में 185 लोगों ने जो है वो यहाँ पर जगहें खरीदी हैं, और उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों में ये भय है, जम्मू कश्मीर के लोगों में ये डर है, और जम्मू कश्मीर के लोगों में गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाती है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी बाहर से नहीं आया। जम्मू कश्मीर में बाहर से बहुत से लोग आए हैं। और एक और यहाँ पर डाटा जो है वो बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक और यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि 1559 इंडियन कंपनीज हैं और इंक्लूडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है जम्मू कश्मीर यूटी में। ये जो आप आंकड़ा सुन रहे हैं 1559 का, ये जो आप आंकड़ा सुन रहे हैं ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, कानों को सुकून भी दे रहा है, लेकिन वाकई में आपको लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज ने अगर निवेश किया है तो फिर इतने सारे बच्चे जो आप जम्मू में देखते हैं और ये कश्मीर में देखते हैं, फिर ये कंपनीज कहाँ पर हैं? इन बच्चों को क्यों जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती? क्या इन कंपनीज का ये एजेंडा है कि अगर वो बाहर से आई हैं तो इनमें काम करने वाले भी जो है वो बाहर से ही आएंगे? तो फिर कहीं ना कहीं जो है इसे क्लियर करना चाहिए। तो साल 2020 और 21 के फाइनेंशियल ईयर में 310 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने निवेश किया है, 175 ऐसी कंपनियां हैं 2021 से 22 में जिन्होंने निवेश किया है, 1074 ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने 2022 से 23 में जो है वो इन्वेस्ट किया है जम्मू कश्मीर में, और इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो खुद ही जम्मू कश्मीर यूटी जो है वो दे रही है। और कोई भी इंडियन कंपनीज जो है इसके साथ साथ इंक्लूडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करते हैं, उन्होंने जो है वो यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टमेंट की है 3 साल में। यानी आंकड़ा जिस कंपनीज का बताया जा रहा है 1559, वो जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर उसके मुकाबले में देखें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर है? फिर ये जो स्कैम हो रहे हैं, अगर ये बच्चे यहाँ पर नहीं है फिर इनके लिए वहां पर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि 3 साल का आंकड़ा 185 जो है वो बहुत बड़ा है या बहुत सिमट कर रह गया ये आंकड़ा,
जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों ने सोचा था वैसे हुआ है या नहीं, ये आप लोगों को बताना है। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा में इस डाटा को पेश किया गया था और बताया गया कि 185 आउटसाइडर हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जगह खरीदी है और 1559 ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज है इंक्लूडिंग जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जो है वो इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है। लेकिन क्या इन कंपनीज का ये एजेंडा है कि वो बाहर के ही लोग लाएंगे? क्या वो जम्मू कश्मीर के लोगों को या बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देंगे?